मेरा नाम इमरान, मैं हूँ इस टाइम सऊदी अरेबिया में। गुड मॉर्निंग, सुबह का अभी बजा है 6:30। तो दोस्तों, छुट्टी 2 दिन की थी वो ख़त्म हो गई है, जुमा शनिचर। तो आज जो है मदरसे खुल गए हैं, स्कूल वगैरह खुल गए हैं, तो अभी चल रहे हैं मदरसे। तो दोस्तों, बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे हैं, इमरान भाई हम अगर नए हैं, अगर हम ड्राइविंग की जॉब में आते हैं तो ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलाते हैं, गियर वगैरह कैसे पढ़ते हैं, हमें दिखाइए। क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जो है 99% जो है ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं होती, मैनुअली होती है। लेकिन सऊदी में ज़्यादातर दोस्तों 99% जो है ऑटोमेटिक गाड़ी रहती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे ऑटोमेटिक गियर कैसे पढ़ते हैं, कैसे गाड़ी चलती है। बने रहना मेरे ब्लॉग में एंड तक। तो सबसे पहले जो है हम हो जाते हैं तैयार, क्योंकि ब्रश वगैरह कर लेते हैं और मुँह हाथ धो लेते हैं। आज ठंडी भी काफ़ी है, तो आपको जो है बाहर का भी व्यूज़ दिखाएंगे, कितना बढ़िया बाहर का व्यूज़ हो रहा है। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में एंड तक। तो दोस्तों, तैयार हो जाते हैं। तो फाइनली अभी हम तैयार हुए हैं, तो चल रहे हैं। टाइम भी हो गया है, क्योंकि सुबह में मदरसा जो होता है 7 बजे का होता है, 6 बजे हमें अलार्म लगाना होता है। तो अभी 6:40 हो गया है, अभी हमें गाड़ी भी स्टार्ट करना होती है, गर्म करना होती गाड़ी। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी का गियर वगैरह कैसे पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, सुबह का व्यूज़। आज बहुत ठंडा है, रात बहुत बारिश हुई थी, यहाँ पे बिल्डिंग का काम चल रहा है। सुबह का इस तरह का व्यूज है दोस्तों। सुबह में दोस्तों बहुत ठंडा है, आज रात बहुत बारिश हुई है। इस तरह का व्यूज है सुबह का। तो हमारी बसंती वो खड़ी है, तो चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे ऑटोमेटिक गाड़ी सऊदी अरब में कैसे चलती है, कैसे होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं, मेरी ये गाड़ी है, बहुत लंबी गाड़ी है, GMC यूकॉन। तो आज तो गाड़ी जो है देर तक गर्म करना पड़ेगी, क्योंकि रात बहुत बारिश हो करी ठंडा गई होगी गाड़ी। यहाँ चाबी लगा देते हैं। ये देखो दोस्तों, सबसे पहले ये होता है ब्रेक, और ये होता है एक्सीलेटर, और ये होता है इसका ब्रेक, ठीक है दोस्तों, हैंड ब्रेक, और इससे बोनेट खुल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के ऑटोमेटिक गाड़ी रहती है सऊदी अरब में। तो अभी हम पहले सबसे पहले जो है, और यहाँ से दोस्तों ये डिग्गी खुल जाती है, देखो ये अभी डिग्गी उधर खुल गई होगी,
आपको दिखाएंगे, ये देखो डिग्गी खुल रही है, तो हम यहाँ से उठा लेंगे ये डंडा, क्योंकि मेरा शॉकर जो है ख़राब हो गया है बोनेट का, तो इसलिए बोनेट भी डंडा लगाना पड़ता है। अभी हम देखेंगे कैसे लगाते हैं बोनेट में डंडा। अभी दोस्तों हमारे लगता है इधर से खुला नहीं है, तो हम यहाँ से पहले खोलेंगे। ये अब खुला है, दिखाएंगे कितने सिलेंडर में गाड़ी है, ये भी दिखाएंगे आपको। हमारा खुल गया है बोनेट, तो अभी हम यहाँ पर लगाएंगे डंडा। एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए हैं और एक हाथ से डंडा लगा रहे हैं। ये हमारा डंडा दोस्तों लग गया है। तो दोस्तों ये देखो, ये है ऑटोमेटिक गाड़ी का गियर, क्या नाम, मकीना, इसको बोलते हैं मकीना अरबी में इंजन को बोलते हैं मकीना। तो देखो दोस्तों कितने सिलेंडर गाड़ी है, 1, 2, 3, 4 और कितना है, 1, 2, 3, 4 चार सिलेंडर है दोस्तों ये गाड़ी। और ये ऑटोमेटिक गाड़ी का ये दोस्तों चेक करना पड़ता है सुबह में। ये है ब्रेक ऑयल, और यहाँ पानी पड़ता है वाइपर का, ये सब चेक करना पड़ता है। और ये गियर ऑयल भी चेक करना पड़ता है यहाँ से। ये देखो ये हमने खोला, ये गेज है। तो दोस्तों थोड़ा सा गियर ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है तो एडेड, लेकिन थोड़ा सा बाद में आने के बाद में इसको जो है डाल लेंगे। दोस्तों ये कूलेंट है, कूलेंट तो दोस्तों सुबह में बहुत चेक करना पड़ता है। यहाँ से ऑयल वगैरह चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो पहले मेरा ऑयल कम हो जाता था, अभी ठीक है। पहले इसमें जो है मकीना दूसरा लगा था, इंजन जो था दूसरा था, अभी दूसरा रखा गया क्योंकि ये लीक कर रहा था। ये गियर ऑयल है, ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है सब कुछ दोस्तों। तो अभी हम जो है बंद कर देते हैं गियर बॉक्स और आपको दिखाएंगे ऑटोमेटिक गाड़ी का गियर कैसे पड़ता है। ये हमने जो है बंद कर दिए, बंद हो गया ये। हम डिक्की खोल देते, डंडा रख देते हैं डिक्की में। डंडा बहुत काम का रहता है दोस्तों, अगर डंडा नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है बोनेट खोलने में। तो यहाँ से फिर हम बोनेट खोल देते हैं, डंडा रख देते हैं, डंडा रख देते हैं यहाँ पर, बंद तो अपने आप हो जाएगा वो। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह की मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी है। तो हम जो है सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम जो है ब्रेक के ऊपर पैर रखते हैं, ब्रेक के ऊपर पैर रखेंगे, उसके बाद में बिस्मिल्लाह करके ये हमने चाबी लगाई, स्टार्ट करी बिस्मिल्लाह। ये मेरी गाड़ी दोस्तों स्टार्ट हो गई है। तो अभी हमारी गाड़ी आप लोग देख सकते हैं पी पे है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम गियर कैसे डालेंगे, ब्रेक पे ही दोस्तों, ब्रेक देख सकते हैं, ब्रेक दबा के ही दोस्तों ये हमारी गाड़ी दोस्तों ब्रेक पर से आर पे आ गई न्यूट्रल, और फिर ये आर पे आ गई बैक में चली जाएगी, और ये एन पे न्यूट्रल हो गई है देख सकते हैं दोस्तों। और जब हमें पहाड़ पे कहीं चलना है तो हमें ये डी पे डालना पड़ेगा, देखो ये हमारा डी पे पड़ गई, अब हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक गाड़ी चलेगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको कभी भी जो है गियर डालेंगे डी पे गाड़ी चलेगी, जब हमें गियर
जो हमें जब हम गेयर डालेंगे डी पे करेंगे तो सबसे पहले हमें जो है पहले न्यूट्रल पे लाना पड़ेगी, फिर एकदम डी डालना पड़ेगा। यानी एकदम से हमने ये इसको दबा दिया, एकदम से नहीं दबाना है दोस्तों, नहीं तो गेयर ख़राब हो जाएगा। तो अभी हम इसको जो है पी पे कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया है, ऐसे गाड़ी चलती है ऑटोमेटिक। और दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आपने न्यूट्रल गाड़ी कर दी है, एन पे कर दी, तो गाड़ी अपने आप दोस्तों घसीटती चली जाएगी ऐसा। ये अगर आपने आप सोचे जो है एन पे कर दिया तो गाड़ी नहीं जाएगी, एन पे गाड़ी कर दी तो ऑटोमेटिक गाड़ी घसीटती चली जाएगी। तो दोस्तों इस तरह की ये ऑटोमेटिक गाड़ी रहती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों अच्छे से। आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब दोस्तों ज़रूर देंगे। तो दोस्तों अभी मैडम निकलने वाली है, बने रहना मेरे ब्लॉग में एंड तक। आप लोगों को एक चीज़ हम और बताएंगे लास्ट में कि एक मेरे ड्राइवर मेरा एक दोस्त आया रूम के पास में, उसने दोस्तों एक ऐसी गलती करी जिससे उसका इंडिया का 1,00,000 रुपये का फ़ाइन आ गया। तो वो गलती उसने क्या करी वो भी दोस्तों हम आपको बताएंगे लास्ट में, क्योंकि अभी मेरा मदरसे का टाइम हो गया, मैडम निकलने वाली है, वीडियो पूरा हो नहीं पाएगा, तो इसलिए जो है बाद में हम आपको बताएंगे उसने ऐसी कौन सी गलती करी। अगर आप लोग नए हो ड्राइविंग जॉब में आ रहे हो तो आप लोग ये गलती मत करना, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों मेरे वीडियो जो है नए लोगों के लिए ही होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो बने रहना मेरे ब्लॉग में एंड तक। मिलते हैं मैडम को छोड़ने के बाद। अभी मदरसा छोड़ करके आ गए हैं, काफ़ी भीड़ थी सुबह में आज, क्योंकि 2-3 दिन के बाद जब मदरसा खुलता है तो बहुत भीड़ होती है रोडों पे। तो हम बात कर रहे थे अगर आप लोग हाउस ड्राइवर में पहली मर्तबा आते हैं तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, वरना आपको जो है बहुत तगड़ा फाइन दोस्तों आपको आ सकता है। तो आज हम जो है आपको बताएंगे। मैडम आपको भी बताएंगे, तो पहले हम ये जो है कूड़ा डाल देते हैं। तो दोस्तों जब आप लोग पहली मर्तबा सऊदी अरब आते हो एयरपोर्ट से, काफिल जब आपका ले जाता है आपको, तो दोस्तों आपको जो है वो 1 महीने तक ट्रेनिंग देता है आपको, 1 महीने तक आपको गाड़ी सिखाता है, खुद बैठता है गाड़ी में और आपसे जो है गाड़ी चलवाता है। जब आपको सब रास्ते पता हो जाते हैं, कैसे गाड़ी चलती है, कैसा क्या होता है, 1 महीने तक आपको जो है फुल ट्रेनिंग दोस्तों वो दे देता है। उसके बाद में दोस्तों जो है आपका इकामा बन जाता है, आपका इकामा दोस्तों बन जाता है। और जब आपका इकामा बन जाता है तो दोस्तों बहुत से सऊदी क्या करते हैं, वो ऐसे ही गाड़ी चलवाते हैं, लाइसेंस दोस्तों उसका नहीं बनवाते हैं, क्योंकि लाइसेंस में लगते हैं पैसे, तो इसलिए वो लाइसेंस नहीं बनवाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जो है ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आपका 1 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद में जब आपका इकामा वगैरह जब बन जाएगा, तो जो है आपको काफिल से बोलना है हम गाड़ी अब ऐसे नहीं चलाएँगे, पहले आप हमारा रुख्सा बनवाइए, रुख्सा बोलते हैं लाइसेंस को, बगैर लाइसेंस के दोस्तों गाड़ी मत चलाना। क्योंकि यहाँ पे मेरा एक दोस्त अभी आया तो उसका इंडिया का 1,00,000 रुपये का फ़ाइन आ गया। तो दोस्तों अगर आपके ऊपर फ़ाइन आ जाता है तो आपका काफिल आपकी तनख्वाह में से काट लेगा, वो खुद नहीं भरेगा। तो इसलिए जो है जब आप लोग पहली मर्तबा आते हो, जब आपकी ट्रेनिंग वगैरह पूरी हो जाती है, लाइसेंस इकामा वगैरह बन जाता, तो आपको बगैर लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाना है। अगर आपने बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाई तो दोस्तों आपके ऊपर बहुत लंबा फ़ाइन आ सकता है, और एक बार फ़ाइन आ गया आपने जमा नहीं करा, दूसरे महीने डबल हो जाता है। तो इसलिए जो है दोस्तों आप लोग ऐसी गलती मत करना। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आपको कुछ भी पूछना है आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब दे दें। तो वीडियो आपको हमारा अच्छा लगे तो लाइक कर देना, पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में जो लोग सऊदी अरब हाउस ड्राइवर के काम में आना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं है ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलती, कैसे गियर वगैरह होते हैं। तो बस मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।